कैसे हो? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्ट थ्री का बात किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था मोल इन टर्म ऑफ आयंस और कंपाउंड खत्म कर लिया था और कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज हम लोग लेक्चर फोर में बात करेंगे मोलर वॉल्यूम की, मतलब वॉल्यूम के टर्म में भी हमारा बचा हुआ है। ठीक, मैं आप लोग को फिर से बताना चाहता हूं कि आप लोग एक बढ़िया से नोटबुक बनाइए और लेक्चर देखते वक्त बाकी जितने भी एप्स वगैरह होते हैं मोबाइल में उसको बंद करके रखिए, पूरा कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इसके टर्म में देखना है मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये जो आप लोग डिफाइन करते हो, ये बात करोगे, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर गैसियस सब्सटेंसेस के लिए यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर फिर हमारी फिर उसी तरह से एक बात आती है जो हम लोगों ने फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में किया था, मोलर वॉल्यूम। मैंने मोलर वॉल्यूम के बारे में बताया था कि मोलर वॉल्यूम नहीं, मोलर मास के बारे में, क्योंकि मोलर वॉल्यूम आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मोलर मास था कि एक मोल में कितना मास हमारे पास प्रेजेंट है। उसी तरह से यहां पर हम एक बात करते हैं कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है। तो मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक मोल में हमारे पास कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग यहां पर डिफाइन करते हैं मोलर वॉल्यूम। बात समझते कि मोलर वॉल्यूम होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, वन मोल ऑफ एनी गैस गैसियस सब्सटेंस इन नेचुरल स्टेट एट एनी टेम्परेचर, ठीक, एंड प्रेशर इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। ठीक, क्या हमारे पास मोलर वॉल्यूम। सिंपल सी बात है कि यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वन मोल ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस, एक मोल गैसियस सब्सटेंस की इन नेचुरल स्टेट ऑफ एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। ठीक, या सिंपल सा मतलब कि एक मोल में कितना वॉल्यूम है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने जो मोल का ट्रिक वगैरह पढ़े थे, तो वहां पर तीन फॉर्मूले आए थे कि नंबर ऑफ मोल बराबर एक आया था ना हमारे पास कि गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो कैसे आता है वो, मोलर वॉल्यूम से आता है, तो हम लोग इनकी बात करते हैं। ठीक, चलिए तो यहां पर हम लोग लेंगे केस वन। दो तरह की केस पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक हम लोग पढ़ते हैं यहां पर एसटीपी एंड एनटीपी। अभी तक हालांकि दोनों की जो वैल्यू थोड़ी सी अलग आती है, लेकिन अभी तक हम लोग दोनों का वैल्यू एक ही लेते हैं इन मोल कॉन्सेप्ट में। ठीक, अभी तक आईआईटी जेई वगैरह जो भी क्वेश्चन पूछती है तो 22.4 लीटर पे पूछती है, अभी तक कोई डिफरेंस नहीं किया। ठीक है ना, अगर कभी अलग पूछा तो समझ जाइए पूरी बुक जितनी भी प्राइवेट पब्लिकेशन है चाहे एनसीईआरटी सब इसको अलग कर देगा। ठीक है, लेकिन जब तक नहीं किया तब तक हम लोग भी साथ में चलते, फायदा ही है। ठीक है, चलिए तो इसके अंदर हम लोग पहला पॉइंट बात करते हैं। देखिए, मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी एंड एनटीपी पे बात करते हैं। ठीक है, बात समझिएगा।
मोलर वॉल्यूम के बाद किस पे करेंगे हम लोग, एसटीपी एंड एनटी पे। ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एंड नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। केस टू में हम लोग आरटीपी की भी बात करेंगे, मतलब रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक। चलिए तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो ये है क्या रखिएगा भैया, कि यहां पर टी की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन लेते हैं, ठीक। अगर हमारे पास प्रेशर लेना रहेगा तो 1 atm इसके इस कंडीशन पर एचटीपी एंड एनटीपी ऑफ किसी भी गैस के लिए, ठीक है ना, क्योंकि मैंने लिख रखा है गैसियस ओनली फॉर गैसियस सब्सटेंस के लिए, ठीक। और एक और आता है जो कि आप ध्यान रखिएगा, आर की वैल्यू हमारे पास 0.021, ठीक। बस समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। देखिए बात समझे, यहां पर आप लोगों ने नाम सुना होगा आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस का नाम नहीं भी सुने हो तो आप सिंपल से है, लेकिन हम लोग आते हैं फिर मेथड पे आएंगे। देखिए यहां पर पीवी इजिकल टू हमारे पास होता है एनआरटी, ठीक। क्या होता है पीवी इजिकल टू एनआरटी। अब तुम्हें लगेगा कि पीवी इजिकल टू एनआरटी क्या है, तो पी इजिकल टू प्रेशर, वी इजिकल टू वॉल्यूम, n is equal to number of mole, r is equal to universal gas, t is equal to temperature। तो मैं यहां पर ये लिख देता हूं, ये क्या हमारे पास, या लिखने की जरूरत भी नहीं है, रुक जाइए। तो इधर आप लोगों को दिख रहा होगा यहां पर p हमारे पास है प्रेशर किसके अंदर, atm। यहां पर v क्या है, वॉल्यूम इन लीटर। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू हम लोग 0.0821 लेंगे, ठीक है ना, एटीएम पे, ठीक। टेम्परेचर टी क्या हमारे पास, टेम्परेचर जिसकी वैल्यू होती है केल्विन में लेना है, किसमें, केल्विन, मैंने लिखा दिया। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इस वैल्यू को इसके अंदर पुट अप करते हैं, ये जो वैल्यू इसके अंदर पुट अप करते हैं। तो देखिए यहां पर पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो यहां पर फिर से ये इस वैल्यू में इसके अंदर हम लोग पुट अप करते हैं, तो 1 atm into V, ये तो वैल्यू वॉल्यूम में निकालना है, इजिकल टू देखो यहां पर मोल की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इंटू आर की वैल्यू 0.0821 इंटू यहां पर क्या दिया हुआ है 273 केल्विन, ठीक। ये केल्विन होगा, बात समझ में आती है। अबे क्या हमें V निकालना है, क्या निकालना है, V निकालना है, तो इसको नीचे ले जाते हैं, एन इंटू 0.0821 इंटू 273 केल्विन अपॉन 1 atm, बात समझ में आ रही है। अब देखिए यही है मोलर वॉल्यूम, अगर हम लोग मोल की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो वॉल्यूम निकल जाएगा, तो मोलर वॉल्यूम भी तो वही है ना, कि एक मोल में कितना वॉल्यूम है, तो मतलब यहां पर मोल हम कितना मान सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि एन की वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा एन की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है ना, तब वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, क्या मतलब वी की वैल्यू क्या हो सकती है, तो चलिए फिर देखते हैं हमारे पास। अच्छा मैं एक खाली जगह रखा हूं, कभी कभी यूनिट आप लोग किस तरह से याद रखिएगा, तो ये भी हमारा पॉइंट ऐसे आ जाएगा। तो देखिए 1 mole इंटू 0.0821, ठीक है, इंटू 273 केल्विन अपॉन क्या हो जाएगा 1 atm, ठीक। तो देखो यहां पर इनकी यूनिट यूनिट ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर यूनिट क्या होती है, तो देखो यहां पर होगा atm लीटर अपॉन मोल केल्विन, ठीक। देखो केल्विन से केल्विन कट गया, मोल से मोल कट गया,
एटीएम से एटीएम कट गया, बस समझ में आ रही है ना, कट गया सब। तो हमारे पास जब ये सब कट ही गया तो बचा क्या, तो V इज इक्वल टू, इनका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 22. अच्छा मैं यहां पर क्यों लिख रहा हूं, तो V इज इक्वल टू 22.4 लीटर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए से दिखिएगा, देखिए तो नीचे दिख रहा है क्या, ये देखिए आ गया, बात समझ में आती है, कोई समस्या नहीं। तो ये हम लोग निकाल लिए इसका, अरे लीटर कैसे आया तो आप समझ सकते हैं। अच्छा यहाँ पर जो खाली जगह है ये मैंने इसीलिए दिया था, एटीएम क्या है, लीटर अपॉन मोल केल्विन। ठीक है, तो चलिए ये हो गई हमारी, किस तरह से वैल्यू आती है भी पता चल गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसी पॉइंट को देखिए किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वन मोल, लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ एनी गैस एट एचटीपी, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 22.4 लीटर। ठीक, वेरी गुड। फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से दिया रहता है लैंग्वेज में, तो हम लोग समझ सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वन ग्राम मोल, याद कीजिए मैंने बताया था आप सबको पहले ही जब एटम मॉलिक्यूल और कंपाउंड पढ़ाया था, यानी एफ इसमें आयंस पढ़ाया था, सब में बताया गया था वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एट एचटीपी, तो क्या हो जाएगा 22.4 लीटर। लिख सकते हैं इसको, वेरी गुड। फिर हम लोग इसी क्वेश्चन से लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ CO2 एट एचटीपी, ठीक, इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक, वेरी गुड। उसके बाद फिर आप लोग बात कर सकते हो वन ग्राम मोल, ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है, हालांकि जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो सब अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी भी समझने का प्रयास कीजिएगा, वन ग्राम मोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 32, ऑक्सीजन O2 होता है, ठीक है ना, 32 ग्राम, या इसको इस तरह से लिख सकते हो 22.4 लीटर। समझ में आती है, वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर केस टू की, केस टू में क्या पढ़ना है आपको, मोलर वॉल्यूम एट आरटीपी, बोले तो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, बस समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आपको दिक्कत ना हो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं फिर से वही, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना हमारे पास है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं खुद आपको कराऊंगा, इसके लिए टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, और ए टू जेड, ठीक है ना, यूट्यूब पे आजकल लोगों को काफी डिमांड है कि मतलब थ्योरी के साथ हमारा न्यूमेरिकल भी समझाने वाले हो, क्योंकि देखते शॉर्टकट वगैरह लिख देते कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए जिनको समझ टारगेट बैच वगैरह को तो समझ में आता है, बट जो नए बच्चे उनके लिए क्या, इसलिए क्या होना चाहिए कि पूरा हम लोग को कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। तो वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस के लिए एट आरटीपी की वैल्यू 24.45 लीटर होती है। देखिए इनकी वैल्यू चेंज हो गया, 22.4 लीटर था इनकी, ये हो गई। ठीक, तो फिर वॉल्यूम ऑफ, अब बात कर सकते हो ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन एट आरटीपी, इसके लिए 24.5 लीटर।
ठीक है। अगर इसी को अगर उसने इस तरह से लिख दिया वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ हाइड्रोजन एट आरटीपी, तो फिर वही 24.45 लीटर है, ठीक है। चलो मैं दूसरे कलर में लिखता हूं फिर, ठीक है। फिर इसी को आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल CO2 एट आरटीपी, क्या 24। एक बार ध्यान रखिएगा एनटीपी या एचटीपी पे हम लोग 22.4 लीटर लेते हैं, ठीक है ना, आरटीपी पे नहीं, ठीक। मैं भी कभी कभी दे दे, खासकर एडवांस लेवल का क्वेश्चंस वगैरह तो वहां पर ही काम आएगा, ठीक है, लीटर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम मोल, देखिए बात मतलब ग्राम में तो बात कर लिए थे, देखो ग्राम मोल, तो एक एटम की बात कर लीजिए, ठीक है। ग्राम 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम एट आरटीपी, तो बताइए 24.4 लीटर हो जाएगा। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है, दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। तो ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसमें हम क्वेश्चंस कुछ बेस्ट क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन अभी क्या करते हैं कि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, प्रेशर वगैरह, जैसे क्या होता है कि आगे जाकर आप लोग गैसियस स्टेट पढ़िएगा तो हम लोग इतना कर लेंगे कि गैसियस स्टेट में हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मेन उनकी यूनिट होती है। अगर एक बार यूनिट निकालना सीख गए, जैसे यहां पर देखिए PV = NI, ये ध्यान रखिएगा आप लोग हमेशा, इसको नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। हालांकि आइडियल कोई गैस नहीं होता है, फिर भी देखो उसका नाम क्या है, आइडियल, आइडियल का मतलब आदर्श, ठीक है ना, आदर्श गैस, ठीक है ना। चलिए तो मैं कुछ यहां पर आपसे कुछ यूनिट की बात करना चाहता हूं, तो चलिए फिर बात करते हैं यूनिट की। ऐसे करते हैं पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं यूनिट की, ठीक है, क्योंकि बाकी सब यूनिट एक साथ ही कर लेंगे। तो पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, बढ़िया से नोट कीजिए, ठीक है, जल्दी। चलिए हो गया, अगर नहीं हुआ हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इधर स्पेस नहीं है ना, इसलिए अपने आप को लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम की कौन कौन सी यूनिट हम लोग देख सकते हैं, कौन कौन सी होती है, कभी कभी चेंज करने के लिए पूछ लेता है, ठीक है, तो भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले कौन कौन सी यूनिट होती है। तो देखिए एक होता है मीटर क्यूब, मतलब ये ले सकते हैं, फिर हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर या मिलीमीटर ही ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये वॉल्यूम की यूनिट हुई, ठीक है। जैसे यहां पर मैं बात करूं 1 m कितना डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर क्यूब, क्यू यहीं पर ले लीजिएगा, तो बताइए कितना सेंटीमीटर। बस समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत है नहीं, अगर हो तो आप बता दीजिए, ठीक। अच्छा क्यू हम क्यों ले रहे हैं, क्यू तो लेने की भी जरूरत तो नहीं रहेगी, ठीक है, तो सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक, वेरी गुड। तो यहीं पर अगर बात करते हैं एम क्यू, तो कितना के बराबर होता है लीटर में, अगर डेसीमीटर में बात करें तो 1000 डेसीमीटर क्यू, या इसी को लिख सकते हो क्या, लीटर। ध्यान रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, या इसी को एक और पॉइंट ले सकते हो 10^6 cm³ या सीसी सेंटी क्यूब और
ml भी बोलते हैं, ठीक है। वेरी गुड, आप अगर समझ रहे हो तो आप बहुत टैलेंट हो, ठीक है ना। और नहीं समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे आ जाएगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब क्वेश्चन करोगे तो अपने आप किस तरह से चेंज आएगा सबको समझ में आएगा। 1 m³ बराबर 1000 कितना लीटर, तो आपको बताना है फिर 1 l बराबर कितना सीसी होगा, यानी इस तरह से 1 l बराबर 1000 सीसी या ml। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी सी बातें जो कुछ याद भी रखनी पड़ती है, ठीक है, समझ में आती है। हाँ, अगर यहीं पर एक और पॉइंट बात करते हैं हम लोग डेंसिटी की, क्या होता है मोल पर, मोल होता है मास, ठीक है। चलिए, कहीं पढ़े थे क्या डेंसिटी, अभी आप लोग नहीं पढ़े हो ना ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म, अभी तो आप 11th में हो ना, ठीक है। जो टारगेट वाले बच्चे होंगे 13 के बच्चे होंगे तो आराम से समझेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, समझ में आ रही है, यस या नो। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, मतलब नहीं समझ में आ रहा था, अबे ये भी नहीं समझ में आएगा तो कहां समझेगा। देखिए यहां पर डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, यही तो होता है। कभी कभी क्या होता है, वॉल्यूम को मास के टर्म में, मास को वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन करना पड़ता है या चेंज करना पड़ता है। तो यहीं से जैसे अब मान लीजिए आपके पास यहां से निकालना रहेगा मास, तो मास निकालना है तो आप लोग कैसे कर सकते हो, देखो यहां पर तो स्पेस ही नहीं, मेरे पास स्पेस ही खत्म हो जाता है। मास इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डी इन टू वी, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। ये तो समझना ही पड़ेगा, अरे डेंसिटी मास पर वॉल्यूम होता है, ये ग्राम में हो जाएगा और ml में हो जाएगा, बात समझ में आती है। वेरी गुड, हालांकि एग्जांपल भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं। तो देखिए इनकी जो कुछ बातें यहां से हमेशा ध्यान रखिएगा, जो यूनिट है हमारे पास, ठीक है ना, जैसे 1 kg में है तो मीटर नीचे क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, या और भी ले सकते हो, ये अगर मान लीजिए ग्राम में है, ठीक है ना, तो ये सीसी में ले सकते हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक। लाइक एक एग्जांपल कराओ, क्या रियल वाला एग्जांपल, अगर आपको लगता है तो कर सकते हो और नहीं लगता है तो ना कीजिए। जैसे मान लीजिए 1 m³ दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, बात समझिएगा, थोड़ा सा थोड़ी सी समझने वाली बातें भी है इसमें, 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड करते हैं, बात समझ में आ रही, अरे मीटर क्यूब में, ठीक है। तो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है मतलब लीटर में चेंज हो गया हो तो अरे इसको डिवाइड कर दिया, इसको इंटू कर दिए तो काट दो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 10 कौन सी यूनिट में चेंज हो जाएगा, ग्राम पर लीटर वाला में चेंज हो जाएगा, ये लीटर वाला मैंने किया है, ठीक है ना। अरे एमएल वाला यानी सीसी में भी चेंज हो सकता है, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, याद ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगर मैं भी कुछ इरर हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक, मतलब जो ना समझ में आ रही हो। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन हम लोग एक ही करते हैं, एक दो करते हैं, एक मैं क्वेश्चन आपको खुद दूंगा बनाने के लिए, तो आपको बनाना भी पड़ेगा, ये मत सोचिए कि सिर्फ मैं ही क्वेश्चन यहां बनाने आया हूं, ठीक है। कैलकुलेट भी नहीं लिखा जाता है ना मार्कर से, क्योंकि मार्कर का ही खत्म है। देखिए कैलकुलेट
द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन सीसी। याद रखिएगा कि उस सीसी में ज्यादा देगा, सेंटी क्यूब में, ठीक है ना, कंफ्यूज करेगा, एमएल बात समझते हो ना, तो उसी को बोलेंगे। देखो ना यहाँ पर लिखा होगा, देखो बात समझ में आ रही है ना, यही है कि बहुत हेल्प करेगा ये, जब जो डेटा लिखा जाता है ना ये काफी हेल्पफुल होगा आगे जाकर, ठीक है ना। अभी तो आप लोग को लग रहा होगा क्या लिखा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लगता है। ध्यान रखिएगा समझने वाली बात है, यहाँ पर जितना समझाया वो सफिशियंट है, ठीक। चलिए तो वन सीसी दिया हुआ है ऑफ H2O एट HTP। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें, मॉलिक्यूल्स निकालना है। याद कीजिए मोल वगैरह में हम लोग मॉलिक्यूल्स निकालते थे, कैसे निकालते थे, तो फिर वही बात एक मैं कर देता हूं। देखो हालांकि वन मतलब वह एक सीसी दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग 10^-3 ले सकते हैं, तो बात बुरू जाइएगा क्योंकि हमें लीटर के टर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो एक बात देखिए पहले, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वन मोल ऑफ कितना दिया हुआ हमारे पास, किसका दिया हुआ है, वन मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 6.022 × 10^23 क्या 23 मॉलिक्यूल्स और 18 ग्राम 18 ग्राम, ठीक। तो हमें लिख सकते हैं कि 1 ग्राम में हमारे पास दिया हुआ है कितना, 6.022 × 10^23 / 18, ठीक। तो हमारे पास ध्यान दीजिएगा कितना दिया हुआ है, 10^-3, अरे -3 सेंटीक्यूब को चेंज कर दिया मैंने, तो 6.022 × 10^23 / 23 / 10^-30 निकाल सकते हो, अब तो निकल ही जाएगा ना। इसी तरह से बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, बात समझिएगा, इस तरह से आप निकाल लिया कीजिए, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ जो निकलेगा, ध्यान रखिएगा मॉलिक्यूल से पूछा है ना, ये मॉलिक्यूल्स है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 m³ CO2 गैस एट HTP, ठीक। एक एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूं, जो कि आपको खुद से बनाना है काफी मेहनत करके। कैलकुलेट द, ये कोई क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, कैलकुलेट द वेट ऑफ 10 dm³, इसी को ये वाला क्वेश्चन के चेंज कर देता हूं मैं, वेट ऑफ क्यू SO2 एट HTP। थोड़ा सा देखिए तो बनेगा, फिर ट्राई कीजिए, नहीं ट्राई कीजिए तो फिर मैं बना दूंगा। सही है, बने सही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। बनेगा कि बनाना पड़ेगा, देख भाई एक तो क्वेश्चन बना, नहीं बनाओगे तो बड़ा प्रॉब्लम में फंसोगे। ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा मैं मेथड वाइज चल रहा हूं, अगर आप लोग ट्रिक वाइज जैसे बताया तो उस तरह से कीजिएगा, लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको ट्रिक फ्रिक नहीं बताऊंगा, रीजन कि हम इसको थोड़ा जल्दी खत्म कर रहे हैं, अगले क्लास में फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ताकि उसको उसके अंदर हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करते हुए पॉइंट को डील करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, जरा सर इसी क्वेश्चन में इसी में हमें कराना था, लेकिन मैं इस लेक्चर में ज्यादा लंबा लेके नहीं जाऊंगा, ठीक है, इस पार्ट में थोड़ा कम ही रखेंगे, ठीक। तो चलिए ये हमारे पास, अब बताइए हमारे पास क्वेश्चन पर क्या दिया हुआ है, अब देखिए यहां पर लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ क्या चीज,
CO2 गैस कितना हो जाएगा, देख सकते हैं इसको, देखो 6.022 × 10^20 मॉलिक्यूल्स, किसके टर्म में लिख सकते हैं, मैं सब में लिख देता हूं ठीक है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए इसको, ये लिख सकते हो 22.4 लीटर और इसको 44 ग्राम। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 m³ पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है 1 m³। तो अब देखिए यहां से 22.4 लीटर बराबर लिख सकते हैं 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स, पैसा लगता है क्या, लिख सकते हैं ना ठीक है। वो हमसे किसने पूछा है 1 m³, मतलब इसको लिख सकते हैं ना 1000 ठीक। तो 1000 कितना हो जाएगा हमारे पास, बात समझिए, यहां पर 6.022 × 10^23 ये क्या हो जाएगा आपके पास, इधर जाएगा मतलब ये इधर चला जाएगा, तो इतना में कितना हो जाएगा 22.4 लीटर × 1000 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया आंसर ठीक। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए बाकी ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए तो नोट कीजिए। ओके ऐसे कीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग घर से बनाइएगा ठीक है, और अगर ना बने तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो मैं बना लूंगा ठीक है, या नेक्स्ट लेक्चर में मैं खुद इसको डिफाइन कर दूंगा, आज रहने देते हैं। ओके थैंक यू, पूरा लिख लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, और हो सके तो नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके थैंक यू।